नमस्कार, कमोडिटी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो कमोडिटी मार्केट में काफी बड़ा हलचल था। हमने काफी सेंट्रल बैंक्स की, चाहे हम यूएस, जापान, यूरोप, बैंक ऑफ इंग्लैंड, इन सब की बात कर, सभी सेंट्रल बैंक की मीट थी। इन्फ्लेशन कंसर्न सभी को डरा रहा था और साथ में ओमिक्रॉन वायरस का भी कंसर्न डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। नो डाउट WHO ने कहा है कि इस बार डेथ रेट कम रह सकती है, बट जिस स्पीड से ये बढ़ रहा है ग्लोबल मार्केट में, इसका कहीं ना कहीं असर हमने इक्विटी मार्केट पे, बेस मेटल पे आते हुए देखा, साथ में क्रूड पे भी आते हुए देखा। इसी के देखते हुए हमने देखा क्रूड के अंदर IEA EIA ने अपने जो प्रोजेक्शन है 2022 के, उसमें कटौती की है, जिसके चलते हमने क्रूड में बिकवाली बढ़ते हुए देखी है। ओवरऑल अगर हम समअप करते हैं तो MCX के बुल इंडेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने ओवरऑल 1% की तेजी बनते हुए देखी। वहीं मेटल इंडेक्स के अंदर 1% की तेजी बनते हुए देखी। बट एनर्जी इंडेक्स, क्योंकि कोरोना का जो कंसर्न है वो काफी सीवियरली हिट कर रहा है ग्लोबल मार्केट में, जिसके चलते एनर्जी इंडेक्स में हमने 0.5% की गिरावट बनते हुए देखी। इंडिविजुअल कमोडिटी से अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले सोने में अगर हम बात करें तो ये हफ्ते में पिछले हफ्ते में हमने 48,200 के लेवल पे ओपन होते हुए देखा। और जिस ढंग से फेड के अपडेट के बावजूद हमने देखा डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड के अंदर जो गिरावट थी, जिसके चलते हमने एक अच्छी खासी तेजी गोल्ड में आते हुए देखी और 1800 का जो लेवल है वो ब्रिज करता हुआ दिखाई दिया। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट के वजह से भी हमने गोल्ड को सपोर्ट लेते हुए देखा, जो 48,200 के ऊपर निकलने पे हमने 48,800 तक का लेवल आते हुए देखा है। अगला हफ्ता थोड़ा भी पुलबैक मिले तो लेकर चलना ही चाहिए। जो 49,000 का लेवल तोड़ने पे 49,400 तक का भी लेवल दिखा दे। वहीं चांदी की अगर बात करें तो शानदार रिकवरी चांदी में भी आई 1.5% की, जहां पे हमने 61,300 का एक सपोर्ट लेते हुए देखा। प्राइजेस ओपन हुआ, प्राइजेस में एक भारी गिरावट आई और हमने 60,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेते हुए देखा और प्राइजेस ने 62,500 के ऊपर टच करने की कोशिश की। एज ऑफ नाउ शॉर्ट कवरिंग के अंदर इंटरनेशनल में भी 21,40 की सपोर्ट से उठा हुआ है चांदी, कहीं ना कहीं एक अच्छा स्ट्रांग मोमेंटम दिखा रहा है, जो 63,800 से लेकर 64,500 का लेवल अगले हफ्ते में देखने मिल जाएगा। थोड़े भी पुलबैक पे लेके चलिए, पर ध्यान रखिए अगला हफ्ता हॉलीडे मूड जरूर रहेगा। तो ये हफ्ते में अगर हम देखेंगे तो हॉलीडे मूड के चलते वॉल्यूम्स कम रहेंगे, स्पाइक्स ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम्स काफी कम रहते हैं। मैं एनर्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो क्रूड में सबसे पहले हमने फ्लैटी स्टोन देखा, बट मूवमेंट आप देखिए 5450 से मार्केट 5560 का हाई भी लगाता है और वहां से 5295 का लो भी लगाता है, तो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी बनी हुई है। अभी भी ओमिक्रॉन कंसर्न की वजह से प्राइजेस के अंदर कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी बनी है, डिमांड कंसर्न की वजह से दबाव है। वेदर कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है, जिस ढंग से हमने देखा कि वेदर के ऊपर स्पेकुलेशन ज्यादा बढ़ रहा है, 300 के ऊपर प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पा रहे, अनलेस एंड अंटिल 300 का लेवल ब्रीच नहीं करता है पॉसिबल है हम प्राइजेस में 270 का सपोर्ट फिर से लेते हुए देखेंगे। वहीं क्रूड में भी अगर हम बात करें तो प्राइजेस 5500 के करीब भी मिले तो बेच के चलना चाहिए, नीचे में 5250 तक का लेवल देखने मिल सकता है। लास्ट में अगर हम बेस मेटल की बात करें तो पूरे बेस मेटल पैक के अंदर हमने वॉलेटिलिटी देखी, क्योंकि मेजर इवेंट्स में बेस मेटल के अंदर पहले तो हम देख रहे डेटा पॉइंट थोड़े बहुत रिकवर करने की कोशिश करें। एनर्जी क्राइसिस की वजह से आउटपुट में कटौती है, वहीं इन्वेंट्रीज के अंदर ड्रॉप है, जिसके चलते प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है, तो काफी मिक्स व्यू बेस मेटल का रहना चाहिए। सबसे पहले अगर हम कॉपर की बात करें तो टेक्निकली कॉपर में एक अच्छा खासा बाउंस आया, हार्मोनिक पैटर्न को देखते हुए 720 से 745 का लेवल भी छुआ, बट 745 के ऊपर सस्टेन नहीं करने की वजह से प्राइसेस में थोड़ा पुलबैक है। आई थिंक 735 तक का लेवल मिले लेके चलिए, 745 के ऊपर 754 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। जिंक के अंदर भी हमने देखा माइन सप्लाई के डिस्टर्बेंस की वजह से मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा भी पुलबैक अगर मिलता है 278 के करीब तो लेके चलिए, 282 का लेवल तोड़ने 284 का लेवल तोड़ने पे 290 से 295 तक का लेवल दिखा सकता है। निकल के अंदर आयरन और स्टेनलेस स्टील के भाव के मूवमेंट की वजह से एक अच्छा खासा लॉन्ग लिक्विडेशन वापस देखने मिला है, बट एक अच्छी चीज ये है कि प्राइजेस 1520 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रही है। अगला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है, अगर 1550-60 के ऊपर होल्ड कर जाता है तो 1590 तक के टारगेट हम देख पाएंगे। एल्यूमिनियम लेड दोनों में ही हमने एक अच्छी खासी तेजी देखी सप्लाई डिस्टर्बेंस को लेके, खास करके एल्यूमिनियम में पैकेजिंग इंडस्ट्री से डिमांड भी बढ़ रही है और टेक्निकल ब्रेकआउट भी दिखाई दे रहा है। प्राइजेस अगर 218 के ऊपर कंटिन्यू होल्ड कर जाते तो 228 से 230 तक का लेवल हम एल्यूमिनियम में देख पाएंगे। वहीं अंत में लेड की अगर बात करें तो 190 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। ओवरऑल बेस मेटल में लेके चलिए, चाइनीज न्यू ईयर और बीजिंग ओलंपिक को देखते हुए आउटपुट में कटौती रहेगी, जिसके चलते बेस मेटल को सपोर्ट मिलेगा। खाली जो कंसर्न रहेगा वो वायरस की वजह से रह सकता है, अदरवाइज मार्केट में सपोर्ट नहीं हो जाएगा। तो ओवरऑल कमोडिटी काउंटर के अंदर बाय ऑन ड्रॉप रहेगा बेस मेटल और बुलियन में, वहीं एनर्जी के अंदर बिकवाली करके चलनी चाहिए।